खबर है हल्द्वानी से। प्रदेश सरकार की नई एसओपी के बाद बुधवार को पूरा बाजार तो खुला, लेकिन जिस तरह भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही थी वह नहीं दिखी। बाजार में लोग निकले, लेकिन सीमित स्थलों पर ही खरीदारी हुई। विवाह समारोह के लिए पहले से ऑर्डर देकर जेवरात तैयार करवाने वाले ग्राहक डिलीवरी लेने आए थे। सहलग्न के चलते कई लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर आदि की खरीदारी की। सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ही कुछ चमक दिखी, लेकिन कपड़ा, रेडीमेड बर्तन, कुराना, जूता, स्टेशनरी आदि दुकानों में इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आए। हर तरह के जीन्स के कारोबारियों के मुताबिक बाजार में करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसमें सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार पर ही अधिक फोकस रहा। रेडीमेड कपड़ा, बर्तन, किराना कारोबारियों का कहना था कि बाजार में इन चीजों की बिक्री 25 से 30% ही हुई। कारोबारियों के मुताबिक अमूमन सामान्य दिनों में 15 से 16 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जो सिमट कर 4 से 5 करोड़ ही रह गया है। देवभूमि व्यापार मंडल के वर्चुअल बैठक में प्रदेश सरकार से व्यापारियों बैंक लोन की किस्त ब्याज सहित माफ करने की मांग की गई। साथ ही बिजली, पानी के बिल, नगर निगम के भवन कर, दुकानों का किराया आदि भी माफ करने की अपील की गई। व्यापारियों ने कहा कि उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अलग से आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने बाजार खुलने पर चंपावत और हीरा नगर स्थित गोलजू मंदिर में पूजा अर्चना की। बाजार खुलने पर गोलजू का आभार जताया। इस मौके पर संस्थापक अध्यक्ष हुकुम सिंह कंवर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल, राजकुमार केसरवानी, जाकिर हुसैन सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।